फ्रेंड्स, अगर आप इस क्रिकेट से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले सुनना चाहते हैं और इस न्यू क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन पे शुरू क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको इस चैनल पे आने का शुक्रिया और आप देख रहे हैं न्यू क्रिकेट। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आईपीएल को जो कि मैच जो हो रहे हैं और आईपीएल का जो कि 29 अप्रैल को 2 मैच खेले जाएंगे और आईपीएल का रात का मैच जो कि नाइट मैच खेला जाएगा वो किन टीमों के दरमियान खेला जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों में ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। दोस्तों, आईपीएल का 29 अप्रैल को जो रात के वक्त मैच खेला जाएगा वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे और इंडियन वक्त के मुताबिक 8 बजे खेला जाएगा। लेकिन ये वो कौन सी टीमें हैं जो ये मैच खेलेंगी? तो पहली टीम कोलकाता नाइट राइडर है और दूसरी टीम रॉयल चैलेंज बैंगलोर है। जी, पहली टीम कोलकाता नाइट राइडर और दूसरी टीम रॉयल चैलेंज बैंगलोर है। बैंगलोर की तरफ से रोहित कोहली जो के विराट कोहली अपने 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेंगे। लेकिन अगर बात करें दूसरी तरफ से कोलकाता की, तो दिनेश कार्तिक भी वही 11 खिलाड़ियों के साथ टीम में उतरेंगे। दोस्तों, अगर इनकी पॉइंट टेबल देखी जाए तो बैंगलोर ने 6 मैच जीते हैं जिनमें सिर्फ 2 मैच जीती है और वो 6 छठे नंबर पर मौजूद है। लेकिन अगर बात करें कोलकाता की, तो वो भी 6 मैच खेली है जिनमें से वो 3 मैच जीती है और वो 5वें नंबर पर मौजूद है। लेकिन दोस्तों, अगर ये मैच कोलकाता जीती है तो 4थे नंबर पर आ जाएगी। लेकिन अगर रॉयल चैलेंजर्स मैच जीती है तो वो भी 5वें नंबर पर आ जाएगी, 6ठे से 5वें नंबर पर आ जाएगी। तो ये हैं वो दोनों टीमें जो कि ये मैच खेलेंगी। बहुत ही जीत सी मैच होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।